900 पिछले 900 का ना सारा सामान निकाल के बेचनी सही थी, गंद करके बेचनी चाहिए थी मेरे को। इंतजार वो घड़ी आ गई है, फाइनली मैं अपना टायर चेंज करवाने जा रहा हूँ। न्यू टायर नहीं लगवा रहा बिकॉज मैं जो भी करवाने जा रहा हूँ अभी बाइक पे वो मेरी नेक्स्ट राइड के लिए, और नेक्स्ट राइड कोई छोटी मोटी राइड नहीं होने वाली, नेक्स्ट राइड इज गोइंग टू बी बिग राइड। बड़ी राइड का मतलब ये नहीं है कि मैं ऑल इंडिया राइड पर जा रहा हूँ, बट इट्स लाइक इट्स अ लॉन्ग राइड और मेरे को प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि उस जगह पे ज़्यादा कुछ होता रही है। मेरा पीछे का टायर वॉवल मार रहा है बहुत तगड़ा वाला, बट अभी चेंज होने वाला है, आज तो वर्न आउट भी मारेंगे, आज तो वर्न आउट भी है, मज़ा आएगा गुरु। हार रही है, तीन चार चीज़ें और हैं यार, मेरे को अपनी गाड़ी के बम्पर तोड़ने पड़ेंगे और क्लेम पे देने पड़ेंगे, स्पेशली आगे वाला बम्पर, ये नहीं वाली है, हाँ आगे वाला बम्पर तोड़ने के लिए मैं फुल फ्लेज में रेडी हूँ बिकॉज न्यू वाला बम्पर बहुत सेक्सी है, तो क्लेम पे दूंगा तो मैं न्यू वाला बम्पर लगा सकता हूँ। तो आई वाज लाइक अगर कहीं पे मेरी बाइक गाड़ी ठुकरी हो रहा है मैं ठोक दूंगा, मेरा ऐसा सीन है। हाँ मतलब तो किसी के अंदर नहीं किसी गाड़ी में नहीं, वैसे अगर ठुकरी हो तो मैं ठोक दूंगा। मेरे को क्लेम चाहिए, मेरे को न्यू बम्पर चाहिए। हाँ मैं कहाँ पे था, राइड से पहले तीन चार चीज़ें और है बाइक पे, वो इतनी नेसेसरी नहीं है कि मतलब करवानी करवानी है, बस एक इम्पॉर्टेंट है ब्रेक पैड्स पीछे के। जब मैंने बाइक ली थी तब मैंने बोला था मेरे को ब्रेक पैड चेंज चाहिए, बट पता नहीं कौन सी कंपनी के या चेंज भी थे या नहीं, वो ब्रेक पैड्स अभी भी देखो जब भी ब्रेक मारते हो आवाज़ करते हो बहुत गंदा, अब वो पता नहीं किसके वजह से है आवाज़, लेकिन वो आवाज़ कभी बंद होती है कभी चालू होती है, तो वो भी चेक करवाना है। सारे मौसम एक तरफ, ठंड में राइड करने का अलग मज़ा कि भैया ऊपर सन हो नीचे ठंडी ठंडी हवा लग रही हो, हाथ में बाइक हो, टायर चेंज होने के बाद तो और तगड़ी चलेगी। अभी तो पता क्या हो रहा है, अभी आपको इससे पता नहीं चलेगा और पीछे कर ऐसे ऐसे नाच रहा। हाँ 900 पिछले 900 का ना सारा सामान निकाल के बेचनी सही थी, गंद करके बेचनी चाहिए थी मेरे को। देखो टायर चेंज करवाने से पहले सुपर बाइकर्स की प्रथा होती है कि उस पर जो है बर्नआउट मार दिया जाए। बर्नआउट हम इसलिए मारते हैं, बर्नआउट मारने का रीज़न ये है कि दिल की संतुष्टि मिलती है, दिल को जब वाली संतुष्टि मिलती है तब हमें बहुत मज़ा आता है। वो विदाउट हेलमेट इसलिए है क्योंकि उसके बेचारे का हेलमेट लॉक हो गया है, ठीक है। तो अरे यहाँ पे तो रोलिंग भी हो रखी है, ये किसने करी है, वाह। तो अब हम मरने वाले हैं बर्नआउट, सामने बैरिकेड से पुलिस वाले आते हैं सीधे गोलियों पे निकल जाते हैं। तो इस खौफ के साथ आज हम मारेंगे बर्नआउट। ओके सो टायर में हल्का हल्का दिख रहा है बर्नआउट मारा, ज़्यादा नहीं मारा एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है फिर यहाँ तक कैसे लेके आते, ठीक है। तो अभी इसको खुलवा दे और इसमें टायर चेंज करवा दे फाइनली। तो टायर जो है वो रियान भाई चेंज कर रहे हैं, कहीं और दूसरी जगह से नहीं हो रहा ये, इनको आपको ज़्यादा पता है तो आप अच्छे से कर सकते हो, वही बात है, बाकी सब फिटिंग अच्छे से नहीं कर पाते। और टायर देखो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था बर्नआउट के बाद, तो और ख़त्म हो गया था, और वाह सीटी मार रही है। और भैया क्यों टायर चेंज कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है,
भैया वो गोडाउन देखो, सुपर बाइक्स के लिए जन्नत है ये, मतलब क्या है ये एक्चुअली। क्या सुपर बाइक्स के टायर आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो ये जगह आपको हेल्प करेगी। आपके पास न्यू भी अवेलेबल है? न्यू भी अवेलेबल है ना? न्यू ऑर्डर में मंगाता हूँ। न्यू ऑर्डर पे नाइस। नया क्या है? 5 तारीख को साड़ी दिखाओ वाला। हां ये कंडीशन तो नेक्स्ट वीक होने की सारी। हां किसी भी लॉट में। ओके, इस टायर की हालत देखी जाए अंदर से तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखो इसमें मैंने कितने पंचर लगा रखे हैं। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने पंचर मैंने लगवा रखे हैं। एक एरा, ठीक है, तो इतना गंदा टायर के साथ हासिल करा है मैंने इसका 2000 किलोमीटर में। तो अब नया वाला शू चढ़ रहा है, न्यू ही बोले यार, ये ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में देखो। हाँ सारी ले लो। अब मेरे को बताओ, सिर्फ सुपर बाइक डीलिंग है सारी बाइकों का? सिर्फ सुपर बाइक करेंगे। सुपर बाइक, लेकिन वो छोटी बाइक का भी कुछ मिल जाएगा? फंस गया यार। अरे एक आधा कोई मिल जाता सर, देखो कोई है ही नहीं। हाँ। मतलब जैसे उसका था ना KTM वेटिंग है, थोड़ा सा आया था, एक 60 मिल जाएगा। अच्छा, फ्रेली के बड़े 900 के बड़े सारे, ठीक है। तो ये सारा माल मसाला है भैया का, ऑन ऑर्डर मंगवा देते हो अगर कोई एक हो आपके पास नहीं है उस कोई भी साइज की हो ना, कोई भी साइज की सब मिल जाएगा। ठीक है, कार्ड दिखा दो, कार्ड का नंबर दिखा दो, बोर्ड दिखा दो, बोर्ड दिखा। ठीक है भैया की खुद की स्ट्रीट ट्रिपल खड़ी यार यहाँ पे, हल्की बात बेचो, बेचो बंदे घर के डोमे लगती है मेरे को देखने से तो बेचो। अरे वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, अरे वैल्यू बढ़ गई, कांग्रेचुलेशन। नहीं यार ये नहीं लगती यार, ये तो अलग चीज बनाएंगे। हाँ यार इतनी घोर बेचते ट्रैफ भी सुन के धुमता रहना कर रहा होगा। जो लॉक है ना 7000 रुपए का लॉक, ऑक्सफोर्ड का, मैंने 300 वाला ये लॉक लगाया था मनाली में, गलती से रात को उल्टा लग गया, सुबह बैठ के चाबी काटी है मैंने, वो चाबी खुली नहीं उधर से, लॉक उल्टा लग गया। चुप कैसे होगा भैया? हाँ भाई नहीं कर रहे चोरी एकदम चुप। ये किस में लगा दो इतना फैट? 240 थी उसका है इंट्रूडर का। ये कौन से 120, 190, 120, 190। जैसे यहाँ पे भैया के पास ये भी पड़ा है, ठीक है, सेम है, लेकिन इसकी लाइफ थोड़ी कम है तो इसका प्राइस थोड़ा कम होगा, उसकी प्राइस ज़्यादा तो उसकी प्राइस, वो लाइफ ज़्यादा तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। तो ये सब से नया है। तो ये रही भैया की शॉप और भैया का बोर्ड देख लो, ये है भैया का बोर्ड, ठीक है, नंबर ये रहा, ठीक है, ये सारा यहाँ पे भैया है ना, गूगल मैप्स में है ना, कोई डालेगा, ठीक है। तो जो टायर है वो जो है 1.5 साल पुराना है यार, मिड ऑफ 20 में बना है, और हाँ ओके ओके अभी सेट होगा ना टायर, टायर बहुत टाइम से बाहर पड़ा होगा ना, तो अभी पूरा ऐसे है तो उसको फ्लैट होगा ना अभी थोड़ा। अब तो खुश हो जा रहा थी बोल दिया तो, लग रही थी यार वो तो प्यारी लग रही थी, रेड कलर में बहुत अच्छी लग रही थी, तेरी भी अच्छी लग रही है, लेकिन सिर्फ दिख रहे हैं, शोरूम वाले ने मरवा दिया, सही अच्छी लग रही है, इसमें ब्लू आया था ना जो स्पार्कलिंग वाला, हाँ वो चाहिए था यार, ये अच्छा लग रहा है, अपीलिंग लग रहा है,
भी तो बहुत कमी है। हाँ लेकिन यार ड्यूक वो क्या बोलते हैं डोमिना 250 में कलर दे दिया ना ये, और गंदा कर दिया तेरे साथ। टायर गोल्डन नहीं आते थे ना। हाँ ये भी बात है, ब्लैक है ये वाइट या सही है। चल बाय चलते हैं, अभी राइड पे चलते हैं, अगर कंफ्यूज हो गया तो हाँ मैं राइड ले लूँगा, तू इधर मुड़े यार। बाय ब्रो। गाइस गाइस बहुत पहले से जानता हूँ, मतलब आया था सब्सक्राइबर मिला था मेरे को, मतलब स्पेशली मिलने आया था जब मैं बाइक सर्विस करवा रहा जी टी वी में, तब से हमेशा बहुत जेन्युइन पर्सन से मिलता मेरे से। बहुत तगड़ी चल रही है, अब पीछे से पीछे के ब्रेक पैड्स रह गए, इंडिकेटर्स रह गए, ये इंडिकेटर तो जोड़वाऊंगा बट पीछे के दो इंडिकेटर चेंज होने रह गए बस, और चेंज सेट जैसा मैंने बोला ही था पहले।